हेलो गुड इवनिंग। आज हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, जा रहे हैं एक इवेंट में। इवेंट जो है वो है वस्त्रकुल लेक ग्रैंड हयात। ग्रैंड हयात है या नॉर्मल हयात है वो मुझे आइडिया नहीं है। हयात रीजेंसी के अंदर है और डेवलपर है अरिस्टो डेवलपर, और उनका जो प्रोजेक्ट है आई थिंक एस जी हाईवे नियर बाई गोता लोकेशन में आई थिंक वो लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर जा रहे हैं। और कल भी एक इनफेक्ट एक इवेंट था जहाँ पर हम गए थे, सूट ऑफकोर्स नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज कि आज से ही हमने ये चालू किया है ब्लॉगिंग। तो नेक्स्ट 15 डेज का हमने चैलेंज लिया है जहाँ पर नेक्स्ट कंटिन्यूस 15 डेज मैं आपको दिखाऊंगा रियलटर्स लाइफ इन 15 डेज। कंटिन्यूस डेली बेसिस पे आपको एक व्लॉग मिलेगा जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं रियलटर लाइफ में होती हैं अहमदाबाद स्पेसिफिकली, बिकॉज अहमदाबाद में हूँ तो अहमदाबाद का ही दिखाऊंगा, मुंबई दिल्ली का नहीं दिखाऊंगा। ऑफकोर्स जब चालू करेंगे तब वो भी दिखाऊंगा। तो अरिस्टो डेवलपर का इवेंट है, देखते हैं क्या कुछ लॉन्च होता है, क्या कुछ चीजें होती हैं। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून, जस्ट एंजॉय द व्यू। ट्रैफिक 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 अहमदाबाद में ये टाइम पे नॉर्मली ट्रैफिक होता ही है। कोई भी रोड से आप जाओगे, वी वेर एक्सपेक्टिंग कि एस जी हाईवे से जाएंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा लो ट्रैफिक होगा, लेकिन नहीं, ट्रैफिक है यहाँ पे। मैप में देख सकते हो आप, ट्रैफिक दिख रहा है। आई थिंक इट विल टेक लाइक 15 मोर मिनट्स टू रीच, फिर देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कल जो हम इवेंट में गए थे उनके ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं या फिर क्या उसे स्पेसिफिक नाम है वो नीड टू कंफर्म, लेकिन आदित्य गढ़वी जो हैं जिन्होंने प्रमोट किया था कल का प्रोजेक्ट गोतिलो, यू मस्ट हैव हर्ड समवेयर, लाइक काफ़ी वेल नोन था। तो श्री सिद्धि ग्रुप का वो प्रोजेक्ट था 3 and 4 BHK, उन्होंने लॉन्च किया। इनके अलावा उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गणेश ग्लोरी 11, कमाई आपसे, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग उन्होंने किया हुआ है। तो वो भी एक प्रोजेक्ट के लॉन्च पे कल गए थे, इनफैक्ट आज भी एक इवेंट है। तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह चलती रहती हैं। तो ये है लाइफ एक रियलिटी की अहमदाबाद में। और अभी अगेन ट्रैफिक में है, तो आई थॉट कि कल वाला जो सीन है जो मैं भूल गया आपको बताना, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ एसोसिएशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे भी मिलेंगे, डिस्कस करेंगे सारे क्या है इवेंट्स। और ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगा कल आपको ये इवेंट के बारे में क्या था, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है, 3 BHK 4 BHK क्या कुछ था, ऑफकोर्स ट्राई करेंगे इस इवेंट को कवर करने का। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू। ये जो अभी आप सूट देख रहे हो वो मैं कर रहा हूँ ट्राईपोड के साथ, तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके, अभी जो सूट हो रहा है वो है ट्राईपोड के साथ, थोड़ा अनकंफर्टेबल ऑफ कोर्स है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। आई थिंक आपको वो नहीं दिख रहा होगा ट्राईपोड का जो स्टैंड है वो, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, तो वो ये लेफ्ट हैंड से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन डेफिनेटली ट्राई करेंगे कुछ। सो वी आर जस्ट अबाउट टू रीच, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू। ट्रैफिक है, लुक एट दिस लाइन है। मेरे हिसाब से जितने भी रेल्टर हैं आई थिंक वो भी 6 बजे के आसपास ही आ रहे हैं हमारे जैसे ही। 5 बजे का इवेंट था लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सब 6 बजे के आसपास आ रहे हैं। और ये है आपका अल्फा 1 मॉल अहमदाबाद 1 मॉल, लुक एट दिस, वन ऑफ द वेल नोन मॉल या फिर रनिंग मॉल बोल सकते हैं, काफ़ी सारे मॉल्स थे लेकिन आज की डेट में कोई चालू नहीं है। आई थिंक 2 मॉल हैं जो अभी कुछ रनिंग है।
इज द एंट्री ऑफ हयात रीजेंसी और आई थिंक यहाँ पर एक मिसिस मेग आई डोंट नो हाँ ये कैफे है अंदर और ये सनसेट भी दिख रहा है आपको, सनसेट हो रहा है और ट्रैफिक या फिर गाड़ियों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, चेक कर रहे हैं सब। और यहाँ पर चाहिए देखो वस्त्र लेख ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर वेले पार्किंग मेरे हिसाब से होना चाहिए। यस इट इज ठीक है, अब जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी साउंड, तो वरना आपको आपके बाजू वाले की कसम सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, अगर आप भी हमारा साथ देंगे तो मजा आएगा, वरना आपको उनकी कसम। एवरीबॉडी मुझे पता है इन्होंने दुखती रख पे हाथ रखा है, लेकिन ही मींस कि हस्बैंड एंड वाइफ यू आर आस्किंग फॉर राइट। या आई एम सिंगल सो डोंट लुक एट मी लाइक दिस। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। सो यू नीड हस्बैंड एंड वाइफ, तो कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ स्टेज पे आए। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओके एवरीबॉडी, आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके अच्छा, मेरा नाम है अमित कलंत्री, ठीक है, मैं पुणे से आया हूँ। समझ गया। एवरीबॉडी विल से हाय अमित। तो उससे मेरा क्या फायदा? टोटल तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया, दो उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, अरिस्टो आनंदम 1, अरिस्टो आनंदम 2, एंड दे हैव लॉन्च्ड अनदर 1 और उनका नाम है अरिस्टो रीगल, द रीगल आई थिंक यस, और वो उनका है एसजी हाईवे पे। सो देखते हैं, वर्कआउट करते हैं कि क्या कुछ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल्स स्क्वायर फीट वगैरह के बारे में उतना नहीं डिस्कस किया, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी 4 BHK एक्सक्लूसिव यूनिट्स, तो ऑफकोर्स लग्जरी अपार्टमेंट होने वाला है, तो ऑफकोर्स कुछ वर्कआउट करेंगे, ब्रोशर्स हैं हमारे पास, कल ट्राई करेंगे कि एक बार ब्रोशर अनवीलिंग करें या फिर कुछ बेसिक डिटेल भी उनके लिए वर्कआउट करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आपको मिलने वाली है और क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट। बाकी ओवरऑल इवेंट अच्छा था, हयात के सामने जो एक्सपेक्टेशन थी कंपेरेटिवली थोड़ा कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि आफ्टर ऑल क्राउड जो था काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर लाइक 500 प्लस जो है वो क्राउड था, तो कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट भी हो रहा था और सारी चीज़ें ऑफकोर्स जैसे नॉर्मली होती हैं। सो ये था आज का दिन, फर्स्ट टाइम हमारा व्लॉगिंग चल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे डे जो है वो एंड करता है आज का। और ये है ट्रैफिक बेसमेंट से बाहर निकलने का। सो फाइनली वी आर साइनिंग ऑफ और जाते हैं घर, कल मिलेंगे आपसे, टिल देन थैंक यू।